हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस और मैं हूं सुरजीत। चलिए आज देखते हैं गाड़ी में थर्ड डिफरेंशियल कैसे काम करते हैं। आप लोग देखे होंगे जो डबल एक्सेल का पीछे वाला जो डबल लाइव एक्सेल रहता है, कोई टिपर हो गया या डम्पर हो गया, वो डबल लाइव एक्सेल के फास्ट जो रियर एक्सेल रहता है उसमें देखेंगे डिफरेंशियल काफी बड़ा साइज का है, और एकदम पीछे वाला जो रियर एक्सेल जो लाइव एक्सेल है उसमें देखेंगे डिफरेंशियल ऐसे नॉर्मल साइज का है, मतलब जैसा सभी गाड़ी में होते हैं। तो क्या राजा है जो सामने वाला जो एक्सेल मतलब जो फास्ट रियर एक्सेल है उसमें डिफरेंशियल काफी बड़ा होते हैं, और पावर कैसे फास्ट डिफरेंशियल होके नेक्स्ट जो लास्ट डिफरेंशियल है उसमें कैसे आते हैं, वो सिस्टम आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं थर्ड डिफरेंशियल कैसे काम करते हैं। बेसिकली थर्ड डिफरेंशियल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि फास्ट रियर एक्सेल जो लाइव एक्सेल है उसमें जो बड़ा साइज का डिफरेंशियल रहता है वो डिफरेंशियल का अंदर दो डिफरेंशियल का काम होता है। तो इसीलिए फास्ट जो एकदम पीछे वाला रियर एक्सेल में जो डिफरेंशियल रहते हैं वो फास्ट डिफरेंशियल रहते हैं, और बीच में जो रियर एक्सेल जो मतलब फास्ट रियर एक्सेल जो है उसमें जो बड़ा वाला डिफरेंशियल रहता है उसके अंदर जो नॉर्मल कॉमन मतलब जो व्हील में पावर सप्लाई के लिए जो डिफरेंशियल सिस्टम रहता है वो रहता है सेकेंड डिफरेंशियल, एंड दोनों में पावर सप्लाई के लिए जो अलग से डिफरेंशियल अरेंजमेंट रहता है वो रहता है थर्ड डिफरेंशियल, उसको इसीलिए थर्ड डिफरेंशियल या आप इंटरमीडिएट डिफरेंशियल भी बोल सकते हैं इसको। तो आज जानेंगे इंटरमीडिएट डिफरेंशियल से कैसे पावर फास्ट डिफरेंशियल या सेकंड डिफरेंशियल में आता है वो हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहे क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, जो स्टडीज लेवल में है उनके लिए ये बहुत ही जरूरी है जानना जो थर्ड डिफरेंशियल कैसे काम करते हैं। तो कोई कोई आर्मी गाड़ी में देखेंगे जो यहाँ पे जो डबल रियर लाइव एक्सेल है, कोई कोई आर्मी गाड़ी में 8x6 रहता है, सो वहां पे क्या रहेगा, वहां पे जो थर्ड डिफरेंशियल दो रहेगा और पीछे एक नॉर्मल सिंगल डिफरेंशियल रहेगा। तो चलिए जानते हैं कैसे थर्ड डिफरेंशियल काम करते हैं और कैसे पावर सप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये प्रोपेलर शाफ्ट थ्रू जैसा थर्ड डिफरेंशियल का अंदर दो डिफरेंशियल अरेंजमेंट रहते हैं, दो अलग अलग सन गियर क्राउन व्हील टेल पिनियन का अरेंजमेंट दो पूरा अलग अलग है, जैसा ये अलग पोर्शन है और ये अलग पोर्शन है, ये पूरा मिला के एक डिफरेंशियल जो थर्ड डिफरेंशियल एंड ये लास्ट वाला जो ये सिंगल डिफरेंशियल। तो थर्ड डिफरेंशियल में क्या होता है, पहले पावर जो थ्रो इंजिन गियरबॉक्स होके जो प्रोपेलर शाफ्ट होके जो पावर आता है थर्ड डिफरेंशियल के जो डिफ केस है पहले डिफ केस में आते हैं। तो इसमें मैं जितना सारे रेड कलर का गियर वो है आपको सन गियर है, इसमें भी रेड कलर का सन गियर है और ये भी रेड कलर का सन गियर है, और जो ब्लैक कलर का जो छोटा गियर है वो स्टार गियर है, सभी में सेम है। तो जैसा ये डिफरेंशियल केस में थर्ड डिफरेंशियल केस में पावर आ गया तो थर्ड डिफरेंशियल केस क्या करेगा, पावर को दोनों में 50-50 बांट देगा, मतलब ये जो डिफरेंशियल है इसमें भी 50 देगा और ये जो डिफरेंशियल है इसमें भी 50%, इसमें भी 50%। जैसा ये पावर यहाँ से इन हो गया और ये थ्रो सनगियर, ये सनगियर भी घूमेगा और ये सनगियर भी घूमेगा क्योंकि एक ही डीप केस के अंदर ही फील्ड है। तो जैसे सनगियर घूमेगा और डीप केस के साथ ही इसका जो क्राउन व्हील है एक क्राउन व्हील छोटा होता है, जैसा सिंगल डिफरेंशियल में जो क्राउन व्हील काफी बड़ा होता है उतना बड़ा नहीं होता है, इसका क्राउन व्हील छोटा होता है। तो जैसा पावर आया ये सनगियर ये डिफरेंशियल केस को भी रोटेट किया, केस को रोटेट करने के बाद ये जो इसका क्राउन व्हील है एक क्राउन व्हील से पावर सप्लाई होगा ये डिफरेंशियल के लिए, और ये जो डीप केस के अंदर सन गियर है वो सन गियर से पावर डायरेक्ट पीछे डिफरेंशियल के लिए सप्लाई होगा। तो अगर 100% पावर आएगा तो 50% देगा इस डिफरेंशियल के लिए और नेक्स्ट 50% देगा इस डिफरेंशियल के लिए, एक ही साथ 50-50 बांट देगा। तो जैसा एक क्राउन व्हील के साथ ये जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल का जो टेल पिनियन है वो टेल पिनियन थ्रो गियर के थ्रो एक क्राउन व्हील के साथ अटैच रहता है, जैसा एक क्राउन व्हील घूमने लगेगा तो ये गियर के थ्रो टेल पिनियन भी घूमने लगेगा, टेल पिनियन घूमेगा तो आपको क्राउन व्हील में पावर आ जाएगा, फिर क्राउन व्हील के अंदर जो डिफरेंशियल केस है वहां से दोनों सन गियर के थ्रो पावर व्हील में जाएगा सेम पैरेलली, जैसा आपको पावर इस वाले में भी गया वैसा पावर इस वाले में भी आएगा, ये जो सन गियर है थ्रो ये डिफरेंस टेल पिनियन होके जो क्राउन व्हील है क्राउन व्हील में आएगा, और क्राउन व्हील में आने के बाद डिफरेंशियल जो केस है डिफरेंशियल केस के अंदर दोनों सन गियर से दोनों व्हील में पावर चला जाएगा। सो थर्ड डिफरेंशियल जैसा पावर को आधा आधा 50-50 फास्ट डिफरेंशियल एंड सेकंड डिफरेंशियल को बांट दिया, उसके बाद फास्ट डिफरेंशियल और सेकंड डिफरेंशियल क्या करेगा, ये जो 50% इनसे मिला है वो क्या करेगा, अगर गाड़ी पैरेलली सेम रोड में चले तो वो क्या करेगा, इस व्हील को देगा 25% एंड इस व्हील को देगा 25%, दोनों एक्सल में बराबर बांट देगा,
और पैरेलली ये पीछे वाला जो सिंगल डिफरेंशियल है वो भी क्या करेगा, उसको मिला था 50% थर्ड डिफरेंशियल से, और 50% वो क्या करेगा, वो दोनों में भी 20-25% मतलब 25% और इसमें और 25% इसमें बांट देगा। सो कितना हो गया, अगर पीछे का चार चार आपका व्हील हब लाइव है तो 25 25 25 25 मतलब टोटल 100% कंप्लीट हो गया, मतलब व्हील तक 100% पहुंच गया। और जैसा ये तो 50% दे दिया, अगर ये व्हील थोड़ा सा फ्री है, मतलब ये व्हील थोड़ा सा स्टाक हो गया और ये व्हील थोड़ा सा फ्री है, तो ये क्या करेगा, ये स्टाक होने के बाद अगर इसमें अगर 10% पावर आएगा तो बाकी 40% क्या करेगा, इधर ट्रांसफर कर देगा, बाकी 40% ट्रांसफर इधर कर देगा। वो काम करेगा ये जो फास्ट डिफरेंशियल है, फास्ट डिफरेंशियल के अंदर जो डीफ केस का जो स्टार और सन गियर का जो अरेंजमेंट है, वो इसको इधर का जो पावर कंज्यूम हो रहा है, जो एक्सेस पावर है वो उधर वाले व्हील में ट्रांसफर कर देगा। अगर कैसे ट्रांसफर करते डिफरेंशियल का पावर या डीफ केस के अंदर कैसे पावर एक व्हील के इस पर से उस पर कैसे ट्रांसफर होता है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंशियल के बारे में वीडियो दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और पैरेलली इसमें भी सेम होगा, अगर ये व्हील स्टाक हुआ या ये व्हील दलदल में फंस गए, ये व्हील कभी हार्ड जमीन में है तो क्या होगा, हार्ड जमीन में रहने के लिए इसमें पावर कम मिलेगा, जो फ्री व्हील है डिफरेंशियल के डिफरेंशियल करते पावर को, जो फ्री व्हील है उसमें मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करेगा। अब देखा होंगे जैसे कहीं कोई गाड़ी राइट साइड व्हील दलदल में फंस गए, तो अगर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो कंटिन्यू वो घूम जाता है, क्योंकि जैसे क्राउन व्हील में पावर आया वो चाहता है कि दोनों में 50-50 पावर दे। तो क्या होता है, अगर ये व्हील हमको स्टाक हो गया, मतलब दलदल में फास्ट फंस गया है, और ये व्हील आपको हार्ड जमीन में है, हार्ड जमीन में है, तो वो क्या करेगा, हार्ड जमीन में जो फ्री व्हील है वो क्या करेगा, ये सन गियर और ये स्टार गियर है, स्टार गियर वो नॉर्मली क्या होता है, अपने एक्सिस मतलब नॉर्मली आपको जो डिफरेंशियल केस है उसके साथ वो मूव करते हैं। और जैसा ए वाला हार्ड हो मतलब स्टाक हो गया और ए वाला फ्री हो गया, तो क्या करेगा, वो अपने एक्सिस में घूमते रहेगा, घूम के क्या करेगा, इधर वाले व्हील जो दलदल में फंसा है उसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर देगा, इधर वाला व्हील को कम पावर देगा या बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन जो फ्री है व्हील है वो फ्री में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर देगा। तो ये हो गया थर्ड डिफरेंशियल, और पावर सप्लाई ऐसे ही होता है। और बाकी देखेंगे थर्ड डिफरेंशियल का मेन पर्पस क्या है, थर्ड डिफरेंशियल का मेन पर्पस है दोनों जो सिंगल डिफरेंशियल है वन और टू, ये दोनों सिंगल डिफरेंशियल के बीच में एक पैरेलली कनेक्शन रखना या दोनों डिफरेंशियल को ठीक ठाक से चलाना, क्योंकि ऐसा ना हो जो इस डिफरेंशियल में कम पावर जाए इसमें ज्यादा पावर जाए या इसमें ज्यादा इसमें कम आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप अगर एक सोचेंगे तो डिफरेंशियल अगर दोनों में पावर सेम जाता या मतलब ये जो गियर बॉक्स से पावर आया दोनों डिफरेंशियल में बराबर पावर दे दिया दोनों प्रोपेलर शाफ्ट थ्रू, तो उसमें थर्ड डिफरेंशियल हम यूज नहीं करेंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, जैसा ये वाला पीछे वाला डिफरेंशियल में व्हील स्टाक हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि पावर तो दोनों में 50-50 आ रहा है, हम बीच में थर्ड डिफरेंशियल लगाया नहीं, तो उसमें क्या होगा, इसमें भी सेम पावर आएगा इसमें भी सेम पावर आएगा। अगर ये व्हील कैसे भी स्टाक हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, पावर तो कंटिन्यू आते रहेगा क्योंकि थर्ड डिफरेंशियल बीच में है नहीं उसको दोनों का मतलब मैचिंग करने के लिए पावर को, तो कुछ है नहीं, तो क्या होगा, ये प्रोपेलर टूट जाएगा या ट्विस्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। सो इसीलिए दो डिफरेंशियल के बीच में समन्वय बैठाने के लिए, मतलब दोनों को इक्वली पावर या डिफरेंशिएट करने के लिए, तो ये थर्ड डिफरेंशियल बैठाया गया। अगर इस ऐसा कंडीशन आए जो हमारा पीछे वाला दोनों व्हील स्टाक हो गया, तो क्या होगा, दोनों व्हील ऐसा स्टाक हो गया तो एक एलपिनियन भी घूमना बंद हो जाएगा, बंद होने से क्या होगा, ये सान पिनियन भी ये भी घूमना बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों पीछे हमारे पूरा एक्सल स्टाक हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि इंजन से तो कंटिन्यू पावर आ रहा है, तो क्या करेगा, ये जो स्टार गियर है वो अपने एक्सिस में घूमने लगा, अपने एक्सिस में घूम के डिफरेंशियल जो केस है उसको मतलब यहां से जितना पावर आपको एक्सेस हो रहा है वो पावर को ट्रांसफर कर देगा, डिफरेंशियल केस में जो लगा है ये वाला जो ग्राउंड व्हील है उसमें ट्रांसफर कर देगा। सो यहां से आप आगे 100% पावर पूरा फास्ट एक्सेल को मिल जाएगा अगर ये पूरा स्टार हो गया तो वही काम है डिफेंसिव करना है। अभी जैसा कोई परिस्थिति आ गई, ऐसा ये वाला व्हील दलदल में फंस गए और ये वाला व्हील भी दलदल में फंस गए, तो क्या होगा, जैसा ये पावर 50-50 वाट देगा, बांटने के बाद जब ऐसा फास्ट डिफेंसियल में आएगा तो वो क्या करेगा, इसमें कौन ज्यादा पावर मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगा इसमें नहीं करेगा, और ये भी करेगा इसमें ज्यादा सप्लाई करेगा इसमें भी नहीं करेगा, तो क्या होगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो इसके लिए क्या किया, इसमें डिफेंसियल लॉक का इंतजाम किया। डिफेंसियल लॉक ये होता है कि आपको जो व्हील में मतलब जो व्हील में आपको ज्यादा पावर चले जा रहे हैं तो वो हम बंद करेंगे। बंद करने कैसे करेंगे, जैसा हमारा पावर आ रहा है दोनों में 50-50 बांट रहे हैं, वो 50-50
जैसा वो सिस्टम चालू रहे इसलिए डिफरेंशियल लॉक। डिफरेंशियल लॉक क्या होता है, यहाँ पे एक लॉक सिस्टम रहता है जिसके साथ एक क्राउन व्हील का जो कपलिंग है, ये जो एक्सेल है ये एक्सेल के साथ क्राउन व्हील को अटैच कर देता है। अटैच करने के बाद क्या होता है, क्राउन व्हील भी जितना घूमता है इधर वाला व्हील भी सेम पावर मिलता है और इधर वाला व्हील भी सेम पावर मिलता है, चाहे दलदल में फंसा हो, हार्ड जमीन में हो या लूज भी, कुछ भी कंडीशन में हो तो दोनों को सेम पावर मिलते हैं। सेम पैरेलली ए डिफरेंशियल के लिए भी यहाँ पे एक लॉक सिस्टम है, और जैसा दोनों डिफरेंशियल में लॉक सिस्टम है तो ये कहने का क्या, वो थर्ड डिफरेंशियल में जो है वो भी डिफरेंशियल में ये जो गियर है वो गियर के साथ एक क्राउन व्हील के एक लॉक सिस्टम यहाँ पे रहते हैं। सो आप अगर गाड़ी में पैनल बोर्ड में जहां पे आप ऑपरेटर बैठते हैं या ड्राइवर बैठते हैं वहां पे आप जाएंगे तो टोटल ये डिफरेंशियल अरेंजमेंट के लिए तीन डिफरेंशियल लॉक होते हैं। एक डिफरेंशियल लॉक होता है आपको थर्ड डिफरेंशियल के लिए, अगर थर्ड डिफरेंशियल लॉक किया तो इस एक्सेल आपका जो ए वाला डिफरेंशियल है इसमें भी सेम पावर आएगा और इसमें भी सेम पावर आएगा, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, मतलब ए भी सेम आएगा और ए डिफरेंशियल में भी सेम आएगा। अगर हमने थर्ड डिफरेंशियल के भी लॉक किया, लॉक करने के बाद इसमें सेम इसमें सेम, अगर इसमें अगर कुछ दलदल में फंस गया कुछ हो गया फिर ये पावर डिफरेंशियल करना शुरू कर देगा, तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे और एक डिफरेंशियल लॉक लगाएंगे, जो फास्ट डिफरेंशियल है उसमें फास्ट डिफरेंशियल लॉक लगाएंगे। और इस एक्सेल के लिए भी सेम, इसमें भी क्योंकि लॉक होने के बाद इसमें भी सेम पावर आएगा, इसको भी अगर हम रोकना चाहिए तो कोई कम ज्यादा नहीं होना है, बिल्कुल दोनों में सेम पावर जाना, तो उसके लिए इसमें भी डिफरेंशियल लॉक। सो कितना हो गए, फर्स्ट डिफरेंशियल, सेकंड डिफरेंशियल और थर्ड डिफरेंशियल के लिए तीन सेपरेट लॉक हो गया। तीन सेपरेट लॉक होने के बाद बिल्कुल जो पावर आएगा बिल्कुल एकदम रिजिड पावर हो जाएगा। रिजिड होने के बाद क्या होगा, आपको इसमें भी सेम जाएगा 50% जाएगा, जाने के बाद आप दोनों में 25% करके पावर देगा, सेम इसमें भी 50 आएगा, 50 आने के बाद दोनों में 5% 25 करके बाहर देगा, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है। अगर पीछे वाला चार व्हील लाइव है तो चारों में एकदम बिल्कुल सेम पावर जाएगा। सो एक बार और बता दें, जैसा डिफरेंशियल लॉक के लिए तीन स्विच रहता है, तीन डिफरेंशियल लॉक के लिए तीन स्विच रहते हैं, सो कोई कोई गाड़ी में ऐसे भी आते हैं एक ही डिफरेंशियल लॉक स्विच में तीनों फंक्शन ही लॉक हो जाता है, मतलब सभी व्हील को लॉक करने के लिए एक ही स्विच दिया हुआ है। और आपको डिफरेंशियल लॉक के बारे में अगर अच्छा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक कर सकते हैं। और आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक और कमेंट करना और शेयर करके दूसरे को भी जानकारी लेने के लिए हेल्प करना। थैंक यू।